एवरीवन, मैं सीमा शर्मा। आज फिर से मैं फैशन हॉल लेकर के आई हूँ और मैं बताने वाली हूँ, अमेजोन से ही मैंने ये शॉपिंग की है। इससे पहले भी मैंने अमेजोन से काफ़ी ड्रेसेस, कुर्तीज ली थी, जिनके फैब्रिक की क्वालिटी और आपके साथ काफ़ी सारे उनकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है। कुर्तीज ली हैं, अनारकली कुर्ती ली है, बहुत सारी कुर्तियाँ ली हैं जो आप ऑफिस के लिए चूज़ कर सकते हैं, डेली वे के लिए चूज़ कर सकते हैं। कुर्तियों के साथ साथ मैंने एक साड़ी भी ली है जो बहुत ही प्यारी है, हल्की है, समर सीजन के लिए भी बेस्ट है। ऑफिस में भी पहन के जा सकते हैं या पार्टी के लिए भी चूज़ कर सकते हैं। लाइट वेट है और थोड़ा स्टाइलिश लुक भी देता है। तो कुछ इस तरीके की कुर्तियां मैं लेती रहती हूँ और उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। अमेजोन पर आपको रिटर्न और रिफंड पॉलिसी मिल जाती है, बेस्ट क्वालिटी मिलती है, जैसे कि आपको मैं दिखाती ही हूँ। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने वॉश करने के बाद कुर्ती की रिव्यू शेयर किया था। जब हम ऑनलाइन कुर्ती वगैरह लेते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्वालिटी देखनी पड़ती है, फैब्रिक देखना पड़ता है, और यहाँ पर हमें रिटर्न और रिफंड पॉलिसी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो जी हाँ, आपको अमेजोन पर रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी दोनों ही मिल जाती है। वेस्ट ना करते हुए मैं कुर्तियों की डिटेल आपके साथ शेयर कर देती हूँ। स्टार्टेड फर्स्ट कुर्ती मेरी कुछ इस तरीके की है, लाइट पिंक कलर है। इसके ब्रांड का नाम है सीजन क्रिएशन एंड यहाँ पर जो कुर्ती का कलर है लाइट पिंक आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आपको राउंड में नेक मिल जाता है, सामने फ्रंट में आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। इसका जो फैब्रिक है रियोन है, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जो रियोन के फैब्रिक होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, समर सीजन के लिए बेस्ट होते हैं। तो इस तरीके की जो रियोन के फैब्रिक की कुर्तियाँ होती हैं काफ़ी अच्छी लगती हैं और बॉडी के अकॉर्डिंग वो सेट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सामने फ्रंट में आपको काफ़ी फाइन एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, बैक में आपको इस तरीके का राउंड नेक मिलता है और 3/4 स्लीव्स मिल जाती हैं, प्लेन फैब्रिक ही हैं। एंड बैक आपको मिल जाता है बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पर आपको फाइन एम्ब्रॉयडरी मिलती है। साथ में नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी सी प्लीटिंग की गई है जो आपके कुर्ती के लुक को बढ़ाती हैं। साथ में आपको यहाँ पर डोरी मिल जाती है, मेरा स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज में आप देख सकते हैं काफ़ी ढीला है, बट यहाँ पर यहाँ डोरी दी गई है, इसके अकॉर्डिंग ये मेरी कुर्ती काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी। मैं पीछे नॉट लगा लूँगी तो इसका मुझे बहुत ही अच्छा ये ट्रिक लगा कि पीछे आगे की तरफ डोरी देने के साथ साथ ये फिटिंग के साथ हमारे लिए बॉडी के साथ सेट हो जाती है। तो इस तरीके की कुर्ती भी काफ़ी अच्छी लगती है, स्टाइलिश लगती हैं। इसे आप ऑफिस के लिए चूज़ कर सकते हैं, पार्टी के लिए चूज़ कर सकते हैं, डेली में भी अगर आप इस तरीके की कुर्तियाँ पसंद करते हैं पहनना तो आप डेली के लिए भी इस तरीके की कुर्तियाँ चूज़ कर सकते हैं। और ये ए लाइन कुर्ता है इस तरीके का, बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं, अगर आपको ये कलर नहीं लेना है इसका दूसरा कलर भी आपको मिल जाएगा, लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसको भी आप प्लाजो, जीन्स, ट्राउज़र सभी के साथ पेयर अप कर सकते हो, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसका बॉटम आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुर्ती ले सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ आप पहन सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं, साइज अवेलेबल हैं, आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो ये पीस भी काफ़ी अच्छा है और इसको लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कुर्ता मेरा कुछ इस तरीके का है, ब्लू कलर का है और इसका जो फैब्रिक है कैमरॉन कॉटन है। और इस तरीके के कुर्ते भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं बोट नेक इसका है और बोट नेक में आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, काफ़ी फाइन एम्ब्रॉयडरी है। ब्लू कलर के साथ साथ आपको पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, साथ में आपको लीव्स जो है गोल्डन कलर के हैं यहाँ पर आप देख रहे हो, और बैक में भी आपको राउंड नेक ही मिल जाता है इस तरीके से। और इसमें जो 3/4 स्लीव्स हैं, 3/4 स्लीव्स में आपको डिज़ाइन स्लीव्स मिल जाती हैं, यहाँ बॉटम में नीचे की तरफ इस तरीके की फ्लेयर्स हैं और यहाँ से कट होते हुए नीचे से आपको इस तरीके का डिज़ाइनर स्लीव्स मिलती हैं।
साथ में आपको सामने फ्रंट में मिल जाती है डोरी इस तरीके से फिटिंग के लिए। यहाँ पर जो मेरा साइज है स्मॉल साइज है, बट ये स्मॉल साइज के साथ साथ ये काफी लूज है। स्मॉल साइज जो इस तरीके के होते हैं डोरी से जो फिटिंग करने वाले कुर्तीज होती हैं, उनमें क्या होता है जो उनका स्मॉल साइज होता है वो थोड़ा सा काफी बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर डोरी के साथ फिटिंग की जाती है। और बॉटम में आपको पिंक कलर की स्ट्रिप मिलती है, साथ में आपको प्रिंटेड पैटर्न मिलती है जो कुर्ती की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। बॉडी के अकॉर्डिंग डोरी से आप फिटिंग कर सकते हैं काफ़ी इजीली, और बहुत ही अच्छा कुर्ता है। इसमें बहुत सारे कलर, जैसे यहाँ पर पिंक कलर है ब्लू के साथ, रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी भी मिल जाती है, कुछ इस तरीके से कलर चेंज है, बट ब्लू कलर का ही आपको कुर्ता मिलेगा, बट एम्ब्रॉयडरी की जो कलर है वो चेंज है। आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर जो कुर्ती है बहुत ही खूबसूरत है, इसको आप पार्टी वेयर के लिए चूज़ कर सकते हो। डेली वेयर में अगर कुछ इस तरीके की हैवी कुर्ती आप पहनते हैं तो भी आप डेली के लिए ये चूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक काफ़ी कंफर्टेबल है, कॉटन है, सॉफ्ट है, समर सीजन के लिए बेस्ट है। थोड़ा सा आप लूज पहनते हैं तो डोरी भी आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग नॉट लगा सकते हो। तो ये कुर्ती भी बहुत ही अच्छी लग रही है, स्टाइलिश लुक देगी, पार्टी ऑफिस या डेली के लिए भी आप इसे चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा पीस है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने साड़ी ली है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्लोरल प्रिंट है और इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है। तो इस तरीके की जो साड़ियाँ होती हैं बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं, क्योंकि जॉर्जेट की साड़ियाँ काफ़ी हल्की होती हैं, लाइट वेट होती हैं। आप इस तरीके की साड़ियाँ जो है ना काफ़ी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये डेली वेयर में भी आप यूज़ कर सकते हैं, पार्टी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो ब्लाउज है शाइनेबल है, ब्लैक कलर का मिलता है, और अगर आप उसको स्टाइलिश ब्लाउज में स्टिच करवाते हो तो ये साड़ी जो है आपको स्टाइलिश लुक भी देगी, क्योंकि इस तरीके की जो साड़ियाँ होती हैं ना बहुत ही अच्छी होती हैं, कंफर्टेबल होती हैं। और इसमें आपको इस तरीके से मिरर वर्क जो लैस है वो मिल जाती है, सिल्वर कलर के इसमें मिरर यूज़ किए गए हैं इस तरीके से, बहुत ही खूबसूरती के साथ। ये नीचे बॉटम का पार्ट है, बॉटम में आपको इस तरीके से लैस मिल जाती है, एंड ऊपर की तरफ आपको इस तरीके से प्लेन फैब्रिक है, मतलब फ्लोरल प्रिंट में आपको साड़ी मिलती है। बेस कलर इसका ब्लैक कलर है, और यहाँ पर लैस भी ऊपर जो पल्लू है पल्लू में भी इसी तरीके की लैस आएगी। यहाँ पर आप ट्राई ऑन में देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से आपको पल्लू में लैस मिल जाती है। इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है, सॉफ्ट जॉर्जेट है, कंफर्टेबल है, डेली के लिए, पार्टी के लिए, ऑफिस के लिए आप इस साड़ी को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल भी है, पहनने में इजी हो जाता है। इस तरीके की जो साड़ियाँ होती हैं आप प्लेटिंग करते हो, फ्री पल्लू लेते हो, काफ़ी अच्छे से ये सेट हो जाती है। तो अगर साड़ी लेना चाह रहे हैं, कुछ इस तरीके की लाइट वेट साड़ी लेना चाह रहे हैं, तो इस साड़ी को आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें और भी प्रिंट कलर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर सकते हो। तो इस तरीके के फ्लोरल प्रिंट की साड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, काफ़ी स्टाइलिश ब्लाउज के साथ आप इसे पेयर अप कर सकते हो। जैसे कि इसमें कलर दिए हैं, रेड कलर है, पैरेट कलर है, तो इस कलर के ब्लाउज के साथ भी आप इसे पेयर अप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा पीस है साड़ी का, मैं तो बोलूँगी इसे आप ट्राई करना क्या है इसे ले ही लो, क्योंकि बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी साड़ी मुझे लग रही थी जब मैं इसे ट्राई कर रही थी, पहन रही थी, मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आई। तो मुझे लगा कि ये जो साड़ी है इसका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूं, अगर आप ले रहे हैं तो ये साड़ी भी अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एक मैक्सी ड्रेस ली है, जो मुझे काफ़ी दिन से लेना भी था, और लॉन्ग मैक्सी ड्रेस है, इसे आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं, घर के लिए भी ले सकते हैं, डेली के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप ऑफिस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो उन्हें मुझे इस तरीके की बेल्ट मिली है, यहाँ पर मैंने जो ड्रेस ली है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। सामने फ्रंट में आपको इस तरीके से पैटर्न मिल जाता है, जैसे लग रहा है कि यहाँ से बटन आप ओपन कर सकते हैं, इस तरीके से ये ओपन हो जाती हैं, बटन यूज़ किए गए हैं। सामने की तरफ आपको बटन मिल जाते हैं, और नेक आपको राउंड में मिलता है, बैक में भी आपको राउंड नेक मिल जाता है, बट इसकी जो स्लीव्स हैं नी तक हैं। इसके ब्रांड का नाम आयू है, और ये लॉन्ग ड्रेस है। इस तरीके से नीचे आपको इस तरीके से गैदरिंग मिल जाती है, यानी
यहाँ पर आपको प्लेटिंग मिलती है कमर में, जो मैक्सी ड्रेस होने के साथ साथ ये थोड़ा लॉन्ग भी है, तो इसके लिए आपको इस तरीके की ड्रेस आपको लेनी है तो चूज कर सकते हैं। और मैंने पहना हुआ है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके की ये ड्रेस लगने वाली है। तो इस तरीके की ड्रेस भी आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। इसका जो फैब्रिक है वो क्रेप रैप है। जो ड्रेस होती हैं उनको आप डेली के लिए भी चूज कर सकते हैं, पार्टी के लिए भी चूज कर सकते हैं और ऑफिस के लिए भी चूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये ड्रेसेस लगती हैं। और लॉन्ग ड्रेस होने के साथ साथ आप किसी भी तरीके का बॉटम चूज कर सकते हो। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसका बॉटम चूज कर सकते हो या विदाउट बॉटम भी आप इसे वेयर कर सकते हो, पहन सकते हैं। और यहाँ पर आपको बटन मिल जाते हैं। ऊपर के 3 बटन ओपन होते हैं बट नीचे के बटन्स ओपन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये आपको ड्रेस लेनी है तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये अच्छा पीस है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। पीस्ट मेरी कुर्ती ये है और यहाँ पर मैंने अनारकली कुर्ती ली है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपको जैकेट मिल जाता है और इस तरीके की कुर्ती मिलती है और दोनों का ही फैब्रिक रियॉन है। इसमें मैंने एक कलर और ऑर्डर किया है, जैसे ही वो आएगी उसका भी मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैंने कुछ इस तरीके की कुर्ती ली है, यहाँ पर अनारकली कुर्ती ली है। इसका जो राउंड नेक है फ्रंट में एंड बैक में भी आपको राउंड नेक मिल, देखिए इस तरीके की 3/4 स्लीव्स मिलती हैं। साथ में आपको वही पैटर्न मिलता है स्लीव में जो आपके जैकेट के लिए यूज किया गया है। जैकेट का पैटर्न और स्लीव्स के पैटर्न एंड यहाँ पर नीचे बॉटम में जो लेस यूज की गई है, फैब्रिक यूज किया गया है, तीनों का जो पैटर्न है सेम है। इससे क्या है आपकी कुर्ती का लुक और भी बढ़ता है। इस तरीके की कुर्ती है। सामने यहाँ पर शो बटन यूज किए गए हैं इस तरीके के, सामने पाइपिंग यूज की गई है और साइड में आपको स्टाइल के लिए ये डोरी यूज की गई है। बट ये स्टाइल के साथ साथ आपकी फिटिंग को भी ये सेलेक्ट करती है, सेट करती है। दोनों तरफ आपको मिलता है इसी तरीके की डोरी मिल जाती है। काफी अच्छे से फिटिंग कर सकते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। फैब्रिक इसका रेयॉन है और यहाँ पर आपको लेंथ काफी अच्छे से समझ में आ रही होगी, नी से भी ज्यादा है, नीचे तक है। लॉन्ग अनारकली है। अनारकली कुर्तियां जो होती हैं कुछ इसी तरीके की होती हैं, काफी अच्छी लगती हैं। आप इसको पार्टी के लिए चूज कर सकते हैं एंड ऑफिस के लिए भी चूज कर सकते हो इस तरीके की कुर्ती, बट ये पार्टी में काफी अच्छी लगती हैं। और अगर डेली वे में भी यूज कर सकते हो, अगर इस तरीके की कुर्ती आप डेली में पहनते हो तो। एंड इसका मैं जैकेट आपको दिखा देती हूँ। जैकेट आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से, काफी अच्छा लगता है। विदाउट जैकेट भी आप इस कुर्ती को यूज कर सकते हैं और यहाँ पर जैकेट के अकॉर्डिंग भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैकेट में आपको यहाँ पर जयपुरी थोड़ा सा प्रिंट मिल जाता है, पैटर्न मिल जाता है गोल्डन कलर का। और यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर मिरर वर्क मिल रहा है। यहाँ पर देखिए जो बीच बीच में छोटे छोटे मिरर यूज किए गए हैं जो आपकी जैकेट की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं, कुर्ती की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। इसमें इस तरीके के मिरर है। इस तरीके के जो जैकेट होते हैं काफी कुर्ती के साथ आप पेयर अप कर सकते हो, कंट्रास्ट में पेयर अप कर सकते हो, कलर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो अपनी बॉडी के ऊपर। किसी भी कुर्ती के साथ इसे पहन सकते हो। तो इस तरीके का जैकेट मिलता है, साथ में आपको कुर्ती मिलती है। मैंने इसका एक कलर और ऑर्डर किया है, जैसे ही वो आएगा मैं उसका भी रिव्यू शेयर करूंगी। मुझे ये इतना अच्छा लगा कि मैंने अपनी भाभी के लिए भी इसे चूज किया है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साड़ी, ड्रेस, कुर्ती, अनारकली कुर्ती और एक सिंपल सी कुर्ती भी आपके साथ मैंने शेयर की। तो इस तरीके के जो फैशन से रिलेटेड मैं जितने भी जो कुर्ती वगैरह साड़ी वगैरह लेती हूँ सबकी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। लेने में इजी हो जाता है और ट्राई ऑन में मैं पहन के भी दिखाती हूँ, जिससे आपको मेरी बॉडी पे समझ में आता है कि ये चीज़ कैसी लगने वाली है, ये कुर्ती कैसी लगने वाली है, ड्रेस कैसी लगने वाली है। तो आपको चूज करने में इजी हो जाता है। सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर अमेजोन पर सेल आए दिन आती रहती है, तो सेल के जैसे ही सेल आती है मैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। सेल में आपको प्रोडक्ट के जो रेट हैं, प्राइस हैं और भी कम मिल सकते हैं, साथ में आपको डिस्काउंट मिलता है। तो आप सेल जैसे ही स्टार्ट हो आप अपनी परचेजिंग कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। जैसे ही मैं सेल के बारे में बताऊँ ना तो आप चूज़ करना स्टार्ट कर दिया करो अपने प्रोडक्ट, और जैसे ही सेल स्टार्ट हो तो आप परचेजिंग कर लो। तो ये कुछ रिव्यू थे प्रोडक्ट के जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।